हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लोर सेंटर। आज इस वीडियो में मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये सेल से बना होता है और इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर्स। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये सेल से भी बना होता है और फाइबर्स से भी बना होता है और सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होता है। दिस टिश्यू ज्वाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दैम। और इस टिश्यू का जो काम होता है ये डिफरेंट पार्ट्स, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसको ये जॉइन करता है एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू देम, और उसको सपोर्ट भी देता है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, ये एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी बोला जाता है। तो मैट्रिक्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको कनेक्ट करता है और उसको सपोर्ट देता है। फाइब्रोब्लास्ट इज़ द सेल विच इज़ प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं और जिस सेल से बना होता है कनेक्टिव टिश्यू, उस सेल्स को बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट ही सेल्स है जिससे कि कनेक्टिव टिश्यू बना है। कनेक्टिव टिश्यू इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कि लूज और डेंस होते हैं। सेकेंड टाइप है स्केलेटल टिश्यू, जिसमें आ जाता है बोन एंड कार्टिलेज। एंड थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आ जाता है ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लूज फॉर्म। ये हम लूज क्यों बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को, क्योंकि इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो, उसकी जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो इसमें जो टिश्यूज़ आ जाते हैं वो है एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इट इज़ फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर अंडर द स्किन एंड बाइंडिंग विद द अंडरलाइंग ऑर्गन्स। ये जो एरियोलर टिश्यू है, ये एरियोलर जो नाम है ये एयर स्पेसेस के मीनिंग में आ जाता है। एरियोलर मीन्स इसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है और इस टिश्यू के एक कंटिन्यूस लेयर बनाता है स्किन के नीचे। स्किन के नीचे जो लेयर्स होती है वो एरियोलर टिश्यू का होता है और ये ऑर्गन्स को बाइंड करके रखता है। इट फिल्स अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड एक्ट्स एज अ पैकिंग मटेरियल अराउंड देम। और ये ऑर्गन्स के जो स्पेसेस होते हैं, ऑर्गन्स में जो स्पेसेस प्रेजेंट होता है, उससे ये एरियोलर टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट होता है और उस स्पेस को फिल करके रखता है। एंड इट एक्स एज अ पैकिंग मटेरियल, और ये एक पैकिंग मटेरियल का काम करता है। सेकेंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये स्किन के ही नीचे होता है। ये स्किन के नीचे एक लेयर प्रेजेंट होता है, उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के लेयर्स में प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट फैट स्टोरेज सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू जिस सेल से बना है उसको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जो कि फैट सेल्स होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। और एडिपोज टिश्यू का जो काम होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है फैट के फॉर्म में। इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर की जैसे एक्ट करता है, इंसुलेटर की जैसा रहता है और बॉडी को इंसुलेट करता है। मतलब बॉडी की जो टेम्परेचर होती है उसको मेंटेन करता है, जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर है उससे बचाता है, इंजरीज होती है उससे बचाता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अराउंड द ऑर्गन्स, और प्रोटेक्शन करता है ऑर्गन्स को। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर डेंस फॉर्म।
इसमें आ जाता है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो पहला है लिगामेंट्स, येलो फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम येलो फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। दिस टिश्यू जॉइंस द बोन्स टुगेदर एंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। और लिगामेंट्स जो होते हैं, ये बोन्स दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इस टिश्यू से दो बोन्स को कनेक्ट करके रखता है, ये टिश्यू दो बोन्स को कनेक्ट करता है। इसलिए इसका काम जो है वो बोन्स बोन्स को कनेक्ट करने में। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की वॉल्स में भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन नीज, एंकल्स एंड शोल्डर, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि नी जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, एंकल्स में प्रेजेंट होते हैं, शोल्डर्स में होते हैं। तो यहाँ पर लिगामेंट्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है टेंडन्स, जिसको हम वाइट फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन थाई बोन एंड हैंड्स, इट कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन्स। ये टेंडन्स जो होते हैं, ये टिश्यू किसको कनेक्ट करता है? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। इट इज़ फाउंड इन थाई बोन, ये थाई बोन में प्रेजेंट होता है, हैंड्स में प्रेजेंट होता है। जहाँ पर बोन्स और मसल्स की जहाँ पर कनेक्शन होती है, वहाँ पर टेंडन्स होता है। टेंडन्स से ही कनेक्शन बनाता है, इट कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन्स। नेक्स्ट टाइप है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप्स आ जाता है, एक है बोन्स एंड सेकेंड इज कार्टिलेज। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज़ अ सॉलिड टिश्यू एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये सपोर्ट देता है बॉडी को, वर्टिब्रेट्स के बॉडी को सपोर्ट करता है। इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, और ये स्केलेटन जो होता है, एंडोस्केलेटन को फॉर्म करता है वर्टिब्रेट्स में। मतलब वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्केलेटन होता है उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट है कार्टिलेज, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स एंड इट कंटेन कार्टिलेज सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज जो है, ये कुछ सेल से बना होता है जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है जिसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। एंड दिस टिश्यू इज़ हाईली इलास्टिक एंड लेस हार्ड देन द बोन्स। ये टिश्यू बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और बोन से थोड़ा कम हार्ड होता है, मतलब बोन से थोड़ा कम हार्ड रहेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें, इलास्टिसिटी रहती है, सॉफ्ट बोन होता है ये। इट अकर्स इन द विंड पाइप फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, और ये विंड पाइप में प्रेजेंट होता है, जो ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, फोर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, हिंड लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स व्हेन दे मूव, और जब बॉडी की मूवमेंट होती है तो ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बोन्स के बीच में। कार्टिलेज सेल्स ऑक्यूपाई द स्पेस कॉल्ड लैक्यूने। जो कार्टिलेज सेल्स जहाँ प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ से एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको लैक्यूने बोलते हैं। कार्टिलेज की भी थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड है फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट इन रिबकेज, नोज एंड बोन्स कवरिंग। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है, ये रिबकेज में प्रेजेंट होता है, नोज में और बोन्स की कवरिंग में। फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है, ये नी बोन्स में प्रेजेंट होता है, जॉ बोन्स में प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है, ये प्रेजेंट होता है, जो एक्सटर्नल ईयर होता है हमारा, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स, इट इज़ अ हार्ड टिश्यू एंड हार्डर देन द कार्टिलेज। बोन्स क्या है? अब ये होता है मेन सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा पूरा मेन स्केलेटन होता है, जो कि पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। ये होता है हार्ड टिश्यू और ये कार्टिलेज से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एंड इट इज़ हार्डर देन द कार्टिलेज। इन दिस टिश्यू द ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। और जो बोन्स होते हैं, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इट मेक्स बोन्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और इससे बोन्स को हार्ड बनाता है एंड स्ट्रॉन्ग करता है।
द मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड अ सेंट्रल कैनाल कॉल्ड हैवर्शियन कैनाल. और जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में कुछ ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके जो सेंट्रल कैनाल, एक बीच में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल. और उसके चारों तरफ से कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, उस रिंग्स में अरेंज्ड होता है ये सेल्स. A long bone is hollow and filled with bone marrow and supplied with blood vessel. और जो long bones होते हैं हमारे body में, वो मतलब hollow होता है और किससे fill होता है, ये bone marrow से filled होता है. Bones support the body and helps in the movement of body parts. Bones क्या करती है, main इसका function जो होता है वो body को support करती है और movement में help करता है. थर्ड टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिशू. दिस टिशू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ. तो ब्लड जो है, ब्लड में थ्री टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है RBC, सेकेंड है WBC एंड थर्ड है प्लेटलेट्स. तो ये तीनों जो सेल्स होते हैं, ये भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा. So it consists of a straw colored fluid matrix called plasma and it contains three types of cells. First है RBCs, जिसको हम और भी बोलते हैं erythrocytes, जिसका other name है erythrocytes. And RBCs का जो काम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द लंग्स. ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से और डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने और दे जाने का ये काम कैरी करेगा. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट से लेकर लंग्स तक पहुंचाएगा और लंग्स से जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा वो बॉडी पार्ट्स तक. तो इस तरीके से ये ब्लड जो है ये फ्लो करता है एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. और ये प्रोडक्शन जो होता है RBCs का और मैचुरेशन जो होता है इनका, वो बोन मैरो में होता है. WBC जो है ये ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इसको, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़. और इसका काम जो है, ये फॉरेन बॉडीज से प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, मतलब जो भी डिजीज़ है, इन्फेक्शंस है, उससे ये बचाता है. मतलब एक तरीके से जो WBCs है ये डिफेंस का काम करता है. देन थर्ड है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स एंड इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. प्लेटलेट सेल्स जो होती हैं, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बनाने में, जो क्लॉटिंग बनाता है ब्लड को, उसमें हेल्प करता है. थर्ड है लिम्फ. लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है. और लिम्फ का मेन रोल है प्रोटेक्शन, जो कि WBC का भी यही काम होता है. क्योंकि लिम्फ जो है ये विदाउट रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स. तो इसलिए लिम्फ जो है ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. तो फ्रेंड्स, ये था कनेक्टिव टिश्यू और ये है स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू का. जैसे कि ये एरियोलर टिश्यू है. एरियोलर टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से है. ये है मैट्रिक्स, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये मैट्रिक्स होता है. ये कुछ इलास्टिक फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं. एंड दिस इज़ द फिब्रोब्लास्ट. ये है कनेक्टिव सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये फिब्रोब्लास्ट. तो इस तरीके से ये एरियोलर टिश्यू अरेंज होता है. एंड दिस इज़ एडिपोज टिश्यू. ये फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं. फिब्रोब्लास्ट है, वाइट एडिपोसाइट्स, ये फैट सेल्स. यहाँ कोलेजन फाइबर्स है, मैट्रिक्स है. तो ये है एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर. दिस इज़ एरियोलर टिश्यू. एंड जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है, ये जो मैंने बताया था कि जो कार्टिलेज सेल्स के बीच में जो स्पेसिस प्रेजेंट होता है, ये स्पेसिस आपको दिख रहा होगा, तो इसको लैक्यूने बोलते हैं और इस सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है. बोन सेल्स में क्या हो गया, ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स दिख रही है आपको,
इस रिंग्स में अरेंज होती है ये सेल्स जिसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और इसके बीच में कैनाल प्रेजेंट है जिसको हैवर्शियन कैनाल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।